संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्योंकि भीड़ हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, खचाखच जो परिसर है इस वक्त भरा हुआ है, हर कोई अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है। जहां पर आप इस वक्त मौजूद है वहां पर क्या हाल है, क्या नजारा है? ये रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित गए भये सब शोका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या की सबसे ऊंचे स्थान पर, जिसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है, और हनुमानगढ़ी की छत पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये जगह खुद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को दी थी अयोध्या की रक्षा के लिए, और हनुमान जी लगातार यहाँ से पूरी अयोध्या को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ से मैं आपको पूरे के पूरे राम पथ और भक्ति पथ की तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं अपने सहयोगी प्रेम सिंह से कहूँगा कि दूर तक जूम करके दिखाएं कि वो जो राम पथ जहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से अगर आप देखेंगे आयुषी, तो जो भीड़ आपको नजर आएगी चारों ओर दिखेगी। लगातार लोग उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां हमारे सहयोगी अभिषेक और मनोज्ञा मौजूद हैं, और वो दिखा रहे हैं कि यहां पर कितनी भीड़ हो चुकी है। ये जो रेला चल रहा है, ये भक्तों का, ये आस्था का जो सैलाब है, ये लगातार उस ओर उमड़ रहा है जिधर राम जन्मभूमि के गेट हैं। और वो सामने की ओर देखिए आप, यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी जो रास्ता है राम जन्मभूमि के सामने का, खचा खच भरा हुआ है। तिल रखने की भी जगह मुझे लगता है यहाँ से नहीं नजर आती है, एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग आपको नजर नहीं आए। और इसके अलावा यही नहीं, मैं प्रेम सिंह से कहूँगा जरा तस्वीरें इस ओर की भी दिखाएं, जो गलियाँ हैं अयोध्या की, इन गलियों से भी लगातार लोग भीतर की ओर आ रहे हैं और राम जन्मभूमि के जो रास्ते हैं उस ओर बढ़ रहे हैं। सभी के मन में मनसा है, मंतव्य यही है कि रामलला के दर्शन को पाएं, लेकिन इतनी भीड़ हो गई है कि पुलिस प्रशासन के भी हाथ पाँव फूलने लगे हैं। बैरिकेडिंग्स लगा लगा करके लोगों को रोकने का काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वाहन लेकर के भीतर नहीं जा पा रहे हैं, पैदल उनको जाने की अनुमति मिल रही सामने की ओर, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाई है। अनुमान तो पहले से ही जताया जा रहा था कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जुट सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं में कोई बदलाव और किया जाता है कि नहीं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। संजय, निधि भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। निधि, वैसे तो देखिए अयोध्या के कण कण में सुंदरता बसी हुई है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरीके का नजारा है? देखिए, यहाँ नजारा नहीं है, यहाँ कहेंगे कि भीड़ है, और ये जो भीड़ है धीरे धीरे करके अब मंदिर की तरफ बढ़ रही है। आस्था का जन सैलाब जो कि लग रहा था कि सब धीरे धीरे मंदिर की ओर दर्शन के लिए बढ़ेगा, लेकिन अब जो तस्वीर है ये सवाल खड़े करती है, ये सवाल खड़े करती है प्रशासन पर, पुलिस पर, रैपिड एक्शन फोर्स जो यहाँ पर तैनात है। और ये आपको पहली रस्सी नजर आएगी जिस रस्सी को तोड़ करके यहाँ पुलिस के इतने सख्त सुरक्षा के बावजूद इस रस्सी को तोड़ करके एक बड़ी भीड़, एक जो गुत, ये देखिए आगे की तरफ दिखाइए, और कई लोग इसमें धीरे धीरे कर चुके जो लंबे टाइम से यहाँ थे वो घायल हुए हैं, और इनमें से एक ये महिला है जो अभी अभी आई है, भीड़ में थी, दो घंटे भीड़ में थी, और उस भीड़ में संभवतः ये कुचली गई हैं, और इस वजह से ये धीरे से इनको निकाला गया है रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से। कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों, कितनी बड़ी चुनौती है ये बता दें, कैसे निकाल रही हैं आप इन लोगों? बस मैनेज कर रहे हैं जी, जी जी मुश्किल थोड़ा सा हो रहा है, बाकी मैनेज करेंगे। कोशिश है महिलाओं को पहले निकालने? नहीं, सभी को निकाल रहे हैं, महिलाएं कोशिश करें, महिलाएं और बच्चे जल्दी निकालें। आपकी तस्वीर दिखाऊंगे, चूंकि यहाँ से जब निकाला गया लोगों को, उसके बाद इस तरफ दिखाइए, ये दूसरी रस्सी है, और इसको तोड़ करके भी अब धीरे धीरे कर लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और सामान किस तरीके से यहाँ बिखरे हुए हैं ये दिखाइए जरा, चप्पल जूते जिसको जहाँ मिला है ये इसी तरीके से बिखरे हैं। कितना टाइम लगा आने में, क्या हुआ? बहुत देर लग गई जी, दिक्कत हुई बहुत, अरे धक्का ढाई कर रहा है बहुत ज्यादा, ढकेल गिरा से बची, बहुत सड़ गए, बहुत ज्यादा गिर रहा है, और ठीक है, भगवान की मर्जी है कि बच गए, ठीक है। बहुत भीड़ था, बहुत भीड़, दो घंटा हो गया, बहुत भीड़ था बिल्कुल, अब पूरा जान लीजिए बहुत बच गए, नहीं तो जान लीजिए प्राण निकल जाता, इतना भीड़ में, भीड़ में था, अभी तो जस्ट बहुत भीड़ था, सांस दम फूल जा रहा है, कितने लोगों का क्या हो रहा है? आप लोग, आप में से कुछ लोग हैं जो धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है अब पता, अब एक आदमी धक्का देता तो एक आदमी से चलते तो पूरी भीड़ धक्का नहीं देगी। तो खुशी है, उत्साह है लोगों के अंदर, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, और लगातार सुबह से कई तस्वीरें ऐसी भी हम देख रहे हैं जहां पर लोग घायल हैं और फेंट होकर गिर पड़े। इन तस्वीरों पर भी प्रशासन को जरूर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आगे जो व्यवस्था है वो खराब ना हो। तमाम जितने भी सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आप सभी का, तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए, तमाम अपडेट्स वहां से देने के लिए। ABP News
आपको रखे आगे।